नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है। देश में 70 सालों से चले आ रहे चीतों के सूखे को खत्म कर दिया गया है। 1952 में वो साल था जब देश से चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। आज 2022 है और देश में चीते लौट आए हैं। नामीबिया से 8 चीते हिंदुस्तान लाए गए हैं और उन चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है आज, और आज का दिन खास इस लिहाज से भी कि 1952 में विलुप्त हुए चीते आज वापस देश लाए गए हैं। 70 साल के बाद भारत की जनता भी अब इनका दीदार कर पाएगी। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को रखा गया है, छोड़ा गया है। 4 अलग अलग तस्वीरें इस ऐतिहासिक पल की, जब देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से रिटर्न गिफ्ट के तौर पर इन 8 चीतों को भारत को दिया है। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नजर पूरी तरह इस वक्त 2024 पर है। नीतीश मिशन 2024 पर लगे हुए हैं और ताजा और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि नीतीश के यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो नीतीश यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि पार्टी लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है। फूलपुर बताया जाता है कि वहाँ से जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार सांसद बने थे, प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह भी वहाँ से लड़े, वो भी प्रधानमंत्री रहे। तो आपको लगता है कि यूपी, बिहार, इन सबों को जो आप एक करने की बात कर रहे हैं, 40 सीट घटाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वह क्षेत्र जो है वो मुफीद होगा? नहीं नहीं, मुफीद हो, यहाँ बिहार में 40 सीट में कौन सा सीट है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए मुफीद नहीं है? तो इसलिए ये बात नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ से लड़ें, तो ये भावना लोग व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को इस बात का गर्व हो रहा है कि हमारे नेता के लिए उत्तर प्रदेश के लोग भी भावुक हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। तो प्रकाश हमारे संवाददाता, जिन्होंने ललन सिंह से ये खास बातचीत की, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए भी गए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। प्रकाश, जिस तरीके से भले ही सीधे तौर पर कुछ भी कहने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या नीतीश कुमार खड़े होने जा रहे हैं, इनकार किया जाता रहा हो, लेकिन ललन सिंह का ये बयान बहुत कुछ साफ कर रहा है। देखिए शिरीन, एक नारा अभी कुछ दिन पहले ही बिहार से यूपी तक चर्चित हुआ था और वो है कि यूपी और बिहार गई मोदी सरकार, जिसमें अखिलेश यादव और नीतीश कुमार दिख रहे हैं। कुछ महीने पहले ही एनडीए सरकार से अलग होने से पहले कुछ नेता जो जेडीयू के थे, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, ये लोग यूपी के दौरे पर थे और उसमें से जो 3 नाम सामने आए थे उसमें एक फूलपुर के साथ अम्बेडकर नगर और मिर्ज़ापुर का भी नाम आया था, जहाँ पर यह तलाशा जा रहा है कि अगर यूपी से चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़े नीतीश कुमार की तो वो कौन सी सीट होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आ सकता है और नीतीश कुमार का चेहरा का इस्तेमाल यूपी में भी किया जा सकता है। तो उसमें फूलपुर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड की वजह से। ये देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव जब लड़ेंगे तो इसके लिए सिर्फ बिहार के नालंदा सीट पर लड़ेंगे या फिर यूपी में भी लड़ेंगे, क्योंकि इनकी कोशिश होगी कि जो कुर्मी वोटर है जिनकी संख्या यूपी में सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से अगर उनके अंदर में ये बात आ जाएगी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन के पद के दावेदार हो सकते हैं, बन सकते हैं, तो वो जो तबका है वो छिटक करके यूपी में कम से कम और बिहार में इन दोनों का जो एक प्रचार होगा तो उसका असर इस सरकार पर पड़ सकता है, उसका असर आने वाले दिनों में पार्टी पर भी पड़ सकता है। तो जाहिर है कि इसकी तैयारी अब से ही शुरू हो गई है।
बिल्कुल नजर रखिएगा प्रकाश, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से ये मिशन 2024 की तैयारी में नीतीश जुटे हुए हैं, उसी दिशा में ये एक बड़ा बयान है ललन सिंह का। लेकिन इसी बीच बात क्योंकि उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी इस पर आया है और कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो पहले हमसे चर्चा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का नीतीश के यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात पर ये रिएक्शन, पहला रिएक्शन जिसपे उन्होंने कहा कि पहले हमसे इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए नीतीश कुमार को। तो आज शनिवार है और आज ही देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। जन्मदिन की इस तारीख को लेकर एबीपी न्यूज ने 72 घंटों का मोदी महासंयोग चला रखा है और वादे के मुताबिक अब इस मामले के खुलासे की बारी है। हमने आज दिन भर आपको अपने हर कार्यक्रम में मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके किए गए काम और आने वाले वक्त के लिए उनका भारत निर्माण पार्ट 2 प्लान से जुड़ी हुई खबरें और फैसले दिखाए। अब बारी आ चुकी है कि हम इस बात का खुलासा करें कि आखिर मोदी का जन्म योग किस तरह भारत निर्माण के लिए किए गए सरदार पटेल के कर्म योग से जुड़ जाता है। ४९४७ में भारत की आजादी के वक्त हुआ था एक भारत निर्माण। जो आजादी का फायदा कौम को मिलना चाहिए था, कुछ मिला जरूर, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं मिला और काफी परेशानियां आप लोगों के और हिंदुस्तान के रहने वालों की रही। आजादी के वक्त भारत के सामने थी तीन बड़ी चुनौतियां। भारत की आजादी के बाद तुरंत मुल्क में चारों तरफ आग फैल गई, जो कौमी फिसाद फूट निकली। भारत निर्माण की तीन चुनौतियां, धार्मिक बंटवारा, कश्मीर किसका, हैदराबाद किधर। इन चुनौतियों के लिए किसने क्या किया ये जरूर जानना चाहिए। आजादी के वक्त धार्मिक उन्माद को रोकने में जान लगा दी गांधी ने। राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे, इससे हम बच गए। यदि इस समय पर बंगाल में खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती वो कहना मुश्किल है। इन ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ वो तो कोई नहीं जान सकता है। इंसान किसी का बदला ले नहीं सकता है, लेकिन किसका बदला ले, उससे कोई बुरा होगा और थोड़ा बुरा है, पूरा बुरा नहीं है, तो उससे बदला लेना। लेकिन आज तो वो परीक्षा के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो वो जो पुतला बनाते हैं विजयादशमी के रोज, उसका मतलब मेरी निगाह में इतना ही है कि वो बदला लेना वो इंसान का, मनुष्य का, आदमी का काम नहीं है। कश्मीर को लेकर सारे फैसले अपने तहत कर लिए जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन हैदराबाद की समस्या को अपने हक में करने का जिम्मा उठाया सरदार पटेल ने। अभी तो हिंदुस्तान के भीतर में एक तो कश्मीर में लड़ाई चलती है और दूसरा हिंदुस्तान की हुजरी में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अवसर पड़ा है और वहां से कौमी जहर दिन प्रतिदिन उबल रहा है, फैल रहा है। मेरे पीछे ताज फलकनुमा पहले से मौजूदा समय में ये एक स्टार होटल है, लेकिन किसी समय ये हैदराबाद के निजाम का रिहायशगाह होता था। हैदराबाद के उसी निजाम का रिहायशगाह जिसने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान के प्रशय में हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने का फैसला लिया था, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल के कदमों से भारत के साथ हैदराबाद का एकीकरण हुआ। न सिर्फ भारत का बल्कि 536 रियासतों में बटे हिंदुस्तान का एकीकरण हुआ और शायद इसी वजह से सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क ही कहा जाता है। गुजरात के रहने वाले सरदार पटेल के इस कर्मयोग की तारीख 17 सितंबर 1948 के ठीक दो साल बाद गुजरात के वडनगर में बनता है एक जन्मयोग। वडनगर के एक साधारण से परिवार में होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म। सन 1947
17 सितंबर 1950। इसे हम और आप एक संयोग कह सकते हैं। और वाकई वैज्ञानिक तौर पर माना जाए तो इसमें संयोग के अलावा कोई तर्क नहीं दिखता, लेकिन हकीकत तो यही है कि भारत निर्माण से जुड़ी उस एक बड़ी और अच्छी घटना के ठीक 2 साल बाद जन्मे नरेंद्र मोदी। जब बड़े हुए, स्कूल कॉलेज गए, समाज सेवा की, संघ से जुड़े, फिर ऐसी दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े, तो वो सब सरदार पटेल की पार्टी और राजनीतिक विचारधारा से अलग रहे। आखिर ये संयोग इतना बड़ा कैसे हो गया कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसी जनसंघ, बीजेपी या आरएसएस के किसी संघ चालक की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नरेंद्र मोदी कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले नहीं। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को जन्मे और पटेल ने 15 दिसंबर 1950 को दुनिया को अलविदा कह दिया। आप कल्पना कीजिए इस महापुरुष का व्यक्तित्व कैसा होगा। सरदार साहब के अंदर वो कौन सा तेज पुंज होगा, ऐसे ऐसे रजवाड़ों के पास गए जिनके पूर्वजों ने अपनी तलवार की नोक पर पाई हुई सत्ता थी, ये कभी अपने बाहुबल से पाई हुई थी, अपने पूर्वजों ने बलिदान दिए थे। लेकिन सरदार साहब ने कहा भाई वक्त बदल चुका है, देश चाहता है, और उन्होंने पल भर में सिग्नेचर कर दिया। पूर्वजों का सैकड़ों साल पुराना राजा रजवाड़ा का राजा पाठ दे दिया एक इंसान को। साहब कल्पना कीजिए उस व्यक्तित्व की ऊंचाई कितनी बड़ी हो। आखिर तब फिर क्या हुआ कि राजनीति में अलग अलग विचारधारा रखने वाले ये दोनों लोग एक जैसी नियति की ओर बढ़ चले। नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के कर्मयोग की विरासत बिना किसी औपचारिक रस्मों रिवाज के क्यों और कैसे अपना ली? आखिर क्यों जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया तो उन्होंने किसी जनसंघ या बीजेपी नेता या किसी दक्षिणपंथी चिंतक के नाम पर नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही देश के कोने कोने से किसानों के घर का लोहा मंगवाया जिसे उनके ही स्टैचू में इस्तेमाल किया गया। तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही हमने दिन भर आपको अलग अलग बुलेटिन में दिखाया है कि भारत निर्माण पार्ट 2 के लिए मोदी ने अब तक क्या क्या किया और क्या क्या करने का उनका इरादा है। दिन भर हमने अलग अलग बुलेटिन में ऐसी स्टोरीज आपको दिखलाई। अभी है वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके काम को फटाफट देखने परखने का। जिस वक्त भारत आजाद हुआ उस वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म भी नहीं हुआ था। जिस समय कश्मीर का भारत में विलय हुआ उस समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मे भी नहीं थे। कश्मीर के भारत में विलय के बाद कश्मीर के लिए विशेष रूप से धारा 370 एक्ट लाया गया। इसका सरदार पटेल ने जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया था और इस बाबत प्रधानमंत्री को, नेहरू जी को उस समय चिट्ठी भी लिखी थी। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नाम जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो धारा 370 के खिलाफ आंदोलन चलाकर कश्मीर में अपनी गिरफ्तारी भी दी थी जहां उनकी मौत हो गई थी। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस धारा को हमेशा के लिए हटा दिया और कश्मीर के पुराने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था। पटेल के इस सपने को पूरा करने वाली घटना सदैव सुखद मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सैन्य व्यवस्था को विकसित देशों की तर्ज पर मॉडर्नाइज करने को लेकर भी एक बड़ी पहल की और इसी कड़ी में देश में पहले सीडीएस की नियुक्ति की गई। सीडीएस को जिम्मेदारी दी गई कि वो देश की तीनों सेनाओं को मॉडर्न थिएटर कमांड में बदलने का काम करें और ये काम अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा ये काम नए भारत के निर्माण का एक बड़ा कदम है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह की मजबूत भारतीय सेना का सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो हमारा मजबूत एक मध्यस्थ सरकार और दूसरा हमारा मजबूत फौजी इंतजाम, वो दो चीज न हो तो हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं।
मुसलमानों में मौजूद ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को खत्म करना, नए भारत के निर्माण में कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ते बेहद बड़े कदम की आहट के तौर पर माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ये जानते थे कि उनके इस फैसले से काफ़ी विवाद और प्रदर्शन होंगे, लेकिन राष्ट्रहित में उन्हें फैसला लेने से कोई रोक नहीं सका। पाकिस्तान की ओर से जारी आतंकवादी हरकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार सेना को सीमा पर जाकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। तब कहीं जाकर पाकिस्तान सीज फायर की इज्जत करना सीख गया। हालांकि अभी भी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कुछ कम जरूर हुई हैं। जब भूटान जैसे छोटे पड़ोसी राज्य को डोकलाम में चीन के साये से बचाने की बारी आई तो मोदी चीन के सामने खड़े हो गए। मामला पलट गया और चीन को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख में आंख दिखाने की कोशिश की और फिर गलवान में खूनी झड़प हुई। तब भारतीय सेना ने अपने 60,000 सैनिक चीन के सामने उतार दिए। देश की लोकल इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए नए टैक्स स्ट्रक्चर का फैसला राजनीतिक वजहों से कई सालों तक अटका रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में GST प्रणाली लागू कर नए भारत के निर्माण में इसे आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसे एक हथियार बना लिया, जिसके जरिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को योगदान को तय किया जा सके। जिस तरह आजादी के बाद सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवा दिया बिना किसी सांप्रदायिक सवाल जवाब या विवाद के, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के अपने निर्वाचन क्षेत्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाकर इतिहास रच दिया। बिना किसी सांप्रदायिक विरोध के बहुसंख्यकों का सपना पूरा किया गया। भविष्य में इसे उदाहरण की तरह देखा जाएगा। किसी भी देश की तरक्की का आधार होता है वहाँ मौजूद सफाई और स्वच्छता। महात्मा गांधी स्वच्छता के सबसे बड़े अग्रदूत थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जन्मदिन पर भारत में स्वच्छता मिशन चलाकर हजारों गांवों और इलाकों को खुले में शौच से मुक्त कराया। सफाई को लेकर पूरे देश में जागरूकता पैदा की गई। नए भारत के निर्माण के लिए ये मिशन बेहद अहम बन गया। गंदा और गरीब होने की वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बदलने के लिए ये बेहद कारगर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के तीसरे चरण में आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया। 2022 में लाल किले से उन्होंने आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 तक भारत को आत्मसंपन्न बनाने का वादा किया, यानी 2047 तक भारत पूरी तरह से विकसित देश बनाने का मंत्र दिया। भारत के निर्माण में मोदी का यह योगदान दुनिया कभी नहीं भुला सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यारों के यार हैं, एक सच्चा दोस्त थे पूरी दुनिया की नजरों के सामने। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ये कह सकता है कि आज का युग युद्ध का नहीं है। आज सभी अमेरिकी अखबारों में इसकी चर्चा है। सात समंदर पार मौजूद मोदी के यार जानते हैं कि ये शख्स जिंदा दिल इंसान है। दोस्ती करता है तो टूट कर करता है। मोदी की इसी दोस्ती और डिप्लोमेसी की दुनिया कायल हो गई है। लगभग सभी राष्ट्राध्यक्ष हर एक मंच से ये कहता है कि ये है मेरा सच्चा दोस्त, माय फ्रेंड मोदी। नमस्ते, नमस्ते, माय ट्रू फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती और डिप्लोमेसी का डंका दुनिया देख और सुन रही है। माय ट्रू फ्रेंड, थैंक यू माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। बात जब दोस्ती की हो तो यारों के यार बन जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात जब दोस्ती की हो तो सरहदें पार कर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात जब दोस्ती की हो तो सात समंदर पार निकल जाते हैं पीएम मोदी। और बात जब दोस्ती की हो तो तमाम बंदिशें भी तोड़ देते हैं प्रधानमंत्री मोदी।
सारे जमाने में ये चर्चा है कि पीएम मोदी दोस्ती निभाने के लिए जाने जाते हैं। जहां जाते हैं, जिससे मिलते हैं, दिल से मिलते हैं और दोस्ती की बुनियाद तैयार कर देते हैं। बीते 8 सालों में मोदी के दोस्तों की लिस्ट लंबी जरूर हुई है, लेकिन उसके साथ ही हर दोस्त से उनके रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। बराक ओबामा से लेकर बाइडेन तक, पुतिन, नेतन्याहू, मैक्रों, बोरिस जॉनसन, शिंजो आबे, एंजेला मर्केल, इसके अलावा एक नहीं बल्कि 6-6 मुस्लिम देश भी मोदी की यारी के मुरीद हुए हैं। मोदी के दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ही करते हैं, क्योंकि पुतिन और मोदी की मुलाकात का लाइव टेलीकास्ट अमेरिका में व्हाइट हाउस तक हुआ। समरकंद में पीएम मोदी और जिगरी दोस्त पुतिन के बीच दिल खोलकर बातें हुईं। मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि पुतिन से दोस्ती के मायने क्या है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए जाओ, मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए, हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है, लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के दौरान विश्व के तमाम बड़े देश रूस को पाबंदियों की जंजीर में जकड़ रहे थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे। वो रूस से लगातार सस्ते दाम पर तेल खरीद रहे थे और आर्थिक दुश्वारियों में दोस्त की मदद डॉलर के जरिए कर रहे थे। पाबंदी की नसीहतों और तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए भारत ने बीते कुछ महीनों के दौरान रूस से अपने तेल आयात का ग्राफ बढ़ाया है। भारत के तेल आयात में फरवरी 2022 से पहले जहां रूस की हिस्सेदारी केवल 2% की थी, तो वहीं जुलाई अगस्त में यह आंकड़ा बढ़कर 19% तक पहुंच चुका है। इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण में भी भारत की मदद कर रहा है रूस और 2031 तक करीब 6 लाख AK-203 राइफल भारत को मिल जाएंगे। इसके अलावा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पहले ही हो चुकी है और ये मिसाइलें भारत को मिलना शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि रूस से नजदीकी के बावजूद कभी अमेरिका भारत को दरकिनार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चाहे ओबामा हो या फिर ट्रंप या बाइडेन, सबको पता है कि मोदी क्या है, कौन है, कैसे हैं और पूरी दुनिया में कितनी धाक रखते हैं। मोदी का यही प्रभाव है कि फरवरी 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के तहत भव्य स्वागत देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की तारीफ और यारी में कसीदे पढ़े थे। Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. He started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. America loves India. America respects India. And America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. जरा सोचिए, एक वक्त ऐसा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका गए तो व्हाइट हाउस से बहुत दूर ग्रिल के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई और वापस लौट आए। मगर जब दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान हुए और पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका विजिट की तो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वागत का ऐसा इंतजाम किया कि चीन और पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगे। इसकी चर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में की थी। मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो व्हाइट हाउस जाना तो हमारे नसीब में नहीं था, तो व्हाइट हाउस से दूर एक लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई है, तो अब जाली के बाहर खड़े रह करके फोटो निकाली थी, पीछे व्हाइट हाउस दिखता है, और अब प्रधानमंत्री बन गए तो वो फोटो भी पॉपुलर हो गई। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी ज़िंदगी में व्हाइट हाउस में जाने का अवसर आएगा। लेकिन जब मैं व्हाइट हाउस गया, एक बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूँ। बराक ने मुझे किताब दी, तो
कभी व्हाइट हाउस के से दूर कहीं खड़े रह करके फोटो निकालना और फिर कभी व्हाइट हाउस में जाकर के जिनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है उनके जीवन की किताब प्राप्त करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल को कितना स्पर्श कर गया होगा। प्रधानमंत्री की एक खासियत और है, जो उनसे एक बार मिला वो बस उन्हीं का हो जाता है। मोदी की आत्मीयता ऐसी होती है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मोदी ने उन्हें नाम लेकर संबोधित किया था। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वाशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया। उस दौरान हालांकि कुछ विरोधियों ने प्रधानमंत्री मोदी की इसके लिए आलोचना भी की थी, लेकिन दोस्ती को सबसे ऊपर रखने वाले मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी की विदेश नीति और दोस्ती दोनों ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अभी प्रधानमंत्री बने 8 महीने भी नहीं हुए थे और मोदी ने बराक ओबामा को 26 जनवरी के मौके पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया। ओबामा भी मोदी की यारी के ऐसे मुरीद हुए कि सारे प्रोटोकॉल को दरकिनार कर 26 जनवरी की परेड में मोदी के साथ खास मेहमान बनकर घंटों बैठे रहे। यही वो अमेरिका है जिसने कभी मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बनकर अमेरिका जाते हैं तो हर राष्ट्राध्यक्ष दिल खोलकर स्वागत करता है, रेड कारपेट बिछाता है, गले लगाता है और हाथों में हाथ डालकर स्टेज शो तक होता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राष्ट्राध्यक्ष को गले लगाने लगे तो उनकी इस हग डिप्लोमेसी की चर्चा हर तरफ होने लगी, लेकिन विपक्ष को यह बात रास नहीं आई, उनकी घेराबंदी की कोशिशें शुरू हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना यह प्यार बांटना यूं ही अनवरत जारी रखा। आज भी जब वो अपने 7 समंदर पार वाले किसी यार से मिलते हैं तो उनकी यही गर्मजोशी नजर आती है। मोदी के जिगरी दोस्तों में एक नाम इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी लिया जाता है। फ्रेंडशिप डे पर नेतन्याहू जब मोदी के साथ फोटो शेयर करते हैं तो लिखते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नेतन्याहू का भारत से गजब का लगाव रहा है। साल 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल दौरा किया तो नेतन्याहू ने अपने दोस्त का स्वागत हिंदी में करते हुए कहा कि स्वागत है मेरे दोस्त, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया था। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। मोदी को दुनिया की महान शख्सियतें यूं ही अपने दोस्तों में शुमार नहीं करती, उसकी वजहें हैं। याद कीजिए कोरोना की पहली और दूसरी लहर, जब चीन से निकला वायरस पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्तों की जरूरत का ख्याल रखा, मानवता के नाते हर मुल्क के दिल खोलकर मदद की। विदेशी दोस्तों ने भी भारत को सहारा दिया था, किसी ने वेंटिलेटर, किसी ने ऑक्सीजन तो कोई कोरोना किट भेज रहा था। जब भारत की बारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ दोस्ती बल्कि इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की। 2 साल में दुनिया भर के करीब 50 देशों को 23 करोड़ से ज्यादा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भेजी। अपने ही देश में तमाम आलोचनाओं को झेलते हुए मोदी ने 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज दान में दे दी। वैक्सीन की ये डोज अफ्रीका के 33 देशों, एशिया के 9 देशों और दक्षिण अमेरिका के 2 देशों बोलीविया और निकारागुआ, ओसियाना के पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड के साथ पश्चिम एशिया के सीरिया और यमन तक पहुंचाई गई। मोदी की फ्रेंडशिप केमिस्ट्री ऐसी है कि भारत में हिस्ट्री बननी ही थी। मोदी का मैजिक ऐसा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के अलावा मुस्लिम देशों में भी उनका जबरदस्त क्रेज है। कई मुस्लिम मुल्क मोदी के फैन हैं। मोदी को एक बार नहीं बल्कि 6 बार सर्वोच्च सम्मान इसी दोस्ती और डिप्लोमेसी का नतीजा है। साल 2016 में पीएम मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान अब्दुल अजीज अल सऊद मिला था। इसी साल उन्हें अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्ला खान से भी सम्मानित किया गया। भूटान के राजा ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रक गाइलपो से नवाजा।
दोस्ती के लिए मोदी सिर्फ सात समंदर पार नहीं गए बल्कि सरहदें भी पार कर गए। साल 2015 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान गए थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया। बातचीत में नवाज शरीफ ने उन्हें लाहौर आने का न्योता दिया। फैमिली फंक्शन में शरीक होने के लिए मोदी भी तुरंत पहुंच गए। नवाज की मां के पैर छुए और पाकिस्तान को एक मैसेज दिया कि मोदी पाकिस्तान की आवाम का भला चाहते हैं। भारत के तमाम सुरक्षा एजेंसियों को मोदी के लाहौर जाने के फैसले से हैरानी भले हुई मगर सारी दुनिया मोदी के इस कदम की मुरीद हुई। प्रधानमंत्री ने जिस शिद्दत से दोस्ती की पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जब बारी दुश्मनी की आई तो वो भी आंखों में आंखें डालकर निभाई। बालाकोट हो या सर्जिकल स्ट्राइक सीना तान कर पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई। मोदी के दोस्तों में एक नाम और बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है वो है शिंजो आबे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मोदी की दोस्ती की शुरुआत एक ट्वीट से हुई थी जब नरेंद्र मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री के जापान दौरे के बाद तो शिंजो आबे मोदी के मुरीद हो गए। उनके भारत आगमन पर मोदी ने उन्हें बनारस घुमाया। गुजरात दिखाया। शिंजो आबे ने भी बिना देर किए 5 साल के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश करने का ऐलान कर दिया। मगर 8 जुलाई 2022 की तारीख जैसे मोदी के सीने में शूल की तरह चुभी जब एक चुनावी कैंपेन के दौरान शिंजो आबे को गोली मारी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान ने अपना नेता खोया मगर मैंने तो एक जिगरी दोस्त कमाया। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे तमाम मुल्कों की लिस्ट है जिनके राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी की दोस्ती के कायल हैं। डिप्लोमेसी और याराना ये कैसे निभाया जाता है मोदी अच्छी तरह जानते हैं। आज भारत की ताकत और कद दोनों दुनिया में बढ़ा है तो इसके पीछे मोदी की कूटनीति और दोस्ती है, दोनों का ही योगदान है। आज हिंदुस्तान की पहचान अगर ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक ओहदा रखती है तो इसके लिए मोदी की ईमानदार दोस्ती भी बहुत बड़ी वजह है। मोदी को मालूम है कि भारत की जरूरत क्या है। मोदी जानते हैं कि भारत के लिए कौन कितना अहमियत रखता है। मोदी को ये भी खबर है कि देश की अखलियत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का फॉर्मूला क्या है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया कहती है माय फ्रेंड मोदी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।